हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल टेक्नो राजस्थान। तो दोस्तों, आप सभी के लिए राजस्थान गवर्नमेंट वैकेंसी 2019 को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने आप सभी को थंबनेल के अंदर बताया, राजस्थान कंप्यूटर टीचर वैकेंसी 2019, जिसको शिक्षा विभाग ने इस वैकेंसी को लेकर कार्मिक विभाग को फाइल भेज दी है। आज की डेट की यह ताज़ा खबर है। तो सभी बेरोजगार साथियों के लिए खुशखबरी है, जो भी काफ़ी टाइम से कंप्यूटर टीचर वैकेंसी का वेट कर रहे थे। तो अपन देखते हैं इस न्यूज़ को डिटेल के साथ। दोस्तों, आप में से जो भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर लीजिएगा। और आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कमेंट करके बताइएगा, ताकि उस हिसाब से हम आपके लिए वीडियो बना सके। तो ये वैकेंसी आने वाली है आपकी कंप्यूटर टीचर वैकेंसी को लेकर, जो न्यूज़ आप सभी देख सकते हैं। जी न्यूज़ राजस्थान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर ये न्यूज़ आ रखी है, जिसमें बता रखा है, प्रदेश भर के बेरोजगार कंप्यूटर शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। तो जो ये वैकेंसी आने वाली है कंप्यूटर टीचर वैकेंसी 2019, तो इसी को लेकर जो शिक्षा मंत्री ने आदेश जारी कर दिए हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़ आपको जी न्यूज़ राजस्थान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर मिल जाएगी। तो अभी 1 बजे की ये न्यूज़ है, तो आप जो जी न्यूज़ राजस्थान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर जाकर दे सकते हैं, जिसमें बता रखा है, प्रदेश भर के कंप्यूटर बेरोजगार शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। शिक्षा मंत्री जो गोविंद सिंह डोटसरा है, राजस्थान के शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा है कि हिंदी माध्यम के स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों को लगाने की हो रही है कवायद, इसको लेकर कार्मिक विभाग को भेजी फाइल। तो जो आप जो भी आपके हिंदी मीडियम के स्कूल है, उनके अंदर कंप्यूटर टीचर्स को लगाया जाएगा, तो इसके लिए कार्मिक विभाग को फाइल भेज दी गई है। जल्दी कार्मिक विभाग की तरफ से फाइल लौटा दी जाएगी शिक्षा विभाग को, एंड उसके बाद जो आपकी वैकेंसी निकाली जाएगी। तो आप देख सकते हैं, आज की डेट की ये खबर है, 3 जुलाई की, आज की 2 बजे की ये खबर है, 1:51 पर, ठीक है। तो आप सभी ये न्यूज़ देख लीजिएगा, इसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो जो भी BCA कर रखे हैं, BSc ITI कर रखे हैं, एंड जिन्होंने BTEC कर रखा है कंप्यूटर साइंस एंड जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अंदर, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और अभी फ़िलहाल जो थोड़े दिन पहले वैकेंसी निकली थी, उसके अंदर RSCIT वाले कैंडिडेट्स को भी एलिजिबल कर दिया था। तो अब देखते हैं, जो इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकलता है, तब किन किन अभ्यर्थियों को इस वैकेंसी के लिए बुलाया जाता है।